तुम्हारा से वो कैटो लॉ वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एवोकाडो लॉ पढ़ा रहा था दो टू गैसेस के लिए, एक गैस है वन और एक गैस है टू। दोनों गैसों के लिए अगर हम वी अपॉन एन निकालेंगे वो कांस्टेंट आएगा। तो वी वन अपॉन एन वन कांस्टेंट होगा, वी टू अपॉन एन टू कांस्टेंट होगा, ये गैस वन के लिए, ये गैस टू के लिए। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो वन फार्मूला क्या बना, V1 upon N1 equals to V2 upon N2। अब चूंकि हमें मालूम है, एक मिनट बचो, होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, खैरियत है? सॉरी, दोबारा से देखिएगा प्लीज। देखिए, जब हमने इस इक्वेशन को V1 upon N1 और V2 upon N2 को कंपेयर किया तो फार्मूला क्या बना, V1 upon N1 equals to V2 upon N2। अब चूंकि लॉ की ये कंडीशन है कि दोनों गैसों का वॉल्यूम हमें सेम रखना है, यही तो एवोगैड्रो लॉ है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। लिखी थी इक्वेशन, अब मैं इन दोनों को जो डिनोमिनेटर है ऊपर ले जाऊंगा, तो ये फार्मूला बना V1 N2 equals to V2 N1, but according to, but both gases have same volume. Both gases have same volume. That is, V1 equals to V2. तो क्या होगा, V1 और V2 कैंसिल हो गया, तो फार्मूला बना N2 अपॉन N1, यानी दोनों मोल बराबर आ गए। बट मोल किसके बराबर होता है, मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। अब यहां चूंकि 2 है तो मास के नीचे भी 2 आएगा, m के नीचे भी 2 आएगा, इसी तरह यहाँ मास के नीचे 1 आएगा और मोलर मास के नीचे भी 1 आएगा। और ये है जनाब एवोगैड्रो लॉ का वो फार्मूला जो न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो अगर हमें दो मासेस पता हो m1 और m2 और एक m1 यानी मोलर मास पता हो तो हम दूसरी मोलर मास निकाल सकते हैं। तो बच्चों, ये एवोगैड्रो लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। एवोगैड्रो लॉ के तहत हम लोग मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं गैसों की। इज इट क्लियर टू यू? कॉपी करें जल्दी से। समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट आप सबको? स्टूडेंट आप सबको समझ में आ रहे हैं? कैपिटल है माने मोलर मास, नहीं इग्रा वॉल्यूम सेम हुआ तो मोल सेम हो जाएंगे ना बेटा।
वो कैंसिल नहीं होंगे, या तो मोल सेम रखेंगे या वॉल्यूम। ये फार्मूला अच्छी तरह याद कर लो, m2 upon m2 is equal to m1 upon m1। m माने मास बेटा, m माने मास। m small m माने मास, capital m माने molar mass। m equal to mass and capital m equals to beta molar mass। बेटा आवाज आपको सबको सही आ रही है? बेटा आवाज सबको क्लियर आ रही है? देखो बेटा, जब दोनों गैसों का वॉल्यूम सेम होगा तो V1 और V2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा N2 equals to N1। N2 किसके बराबर है? मास अपॉन मोलर मास के। तो मैंने मोल की जगह मोल की वैल्यू प्लेस कर दी और 2 की जगह 2 लिख दिया, 1 की जगह 1 लिख दिया। दोबारा समझाता हूं बेटा, दोबारा सुनो। दोबारा समझो बेटा, देखो N2 equals to N1 आ गया, और N माने मोल, मोल किसके बराबर होता है? मास अपॉन मोलर मास। इसी तरह ये वाला N भी किसके बराबर होगा? मास अपॉन मोलर मास। अब यहां पे नीचे क्या लिखा हुआ है? 2। तो यहां पर दोनों जगह पे 2 आ जाएगा, यहां दोनों जगह पे 1 आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल में यूज होगा फार्मूला, हमें m2 गिवन होगा, m1 गिवन होगा, और इन दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी, या तो कैपिटल m1 या कैपिटल m2 गिवन होगा। और हम ये फिर फार्मूला के जरिए मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ बेटा एमन, या तो हम वॉल्यूम सेम लेंगे या मोल सेम लेंगे। तो हमने वॉल्यूम सेम ले लिया तो मोल इक्वल हो गए, फिर हमने मोल की वैल्यू प्लेस कर दी। ओके बेटा, कॉपी कर लो और हेडिंग लगाओ मैथमेटिकल प्रूफ। मैथमेटिकल प्रूफ। अब हम एवोगैड्रो लॉ को साबित करेंगे, मैथमेटिकल प्रूफ। फर्ज करें स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 गैसेस हैं। सपोज वी हैव 2 गैसेस, एक गैस का नाम है गैस ए और दूसरी का नाम है गैस बी। 2 गैसेस हैं फर्ज करें हमारे पास, गैस ए एंड गैस बी। गैस ए का वॉल्यूम है वी ए और इसके मोल है एन ए। गैस बी का वॉल्यूम है वी बी और इसके मोल है एन बी। इज इट क्लियर? कॉपी कर लें इसको जल्दी से।
मोल सेम लेते हैं तो वॉल्यूम, अगर मोल को सेम लेंगे तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा। जी बेटा अब आगे देखिए, अब हम निकालेंगे दोनों गैसों का वॉल्यूम। सो वी ए इक्वल्स टू के एन ए, ये एवोगैड्रो लॉ का फार्मूला है, इक्वल्स टू के एन, वी इक्वल्स टू के एन, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। एंड वी बी इक्वल्स टू के एन बी, हमने एवोगैड्रो लॉ से दोनों गैसों का वॉल्यूम निकाल लिया। ओके समझ आ रहे हैं, क्लियर है? बट अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, दोनों गैसों का वॉल्यूम सेम है, यानी वी ए इक्वल्स टू वी बी, वी ए इक्वल्स टू वी बी, वी ए किसके बराबर है, के एन ए के, और वी बी किसके बराबर है, के एन बी के, के से के क्या हो गया, कैंसिल, तो एन ए इक्वल्स टू एन बी। तो जनाब लॉ इज प्रूव। कैसे प्रूव हुआ, कैसे प्रूव हुआ, ये देखो दोनों गैसों का वॉल्यूम सेम है तो मोल सेम आ गए, दोनों गैसों के हमने वॉल्यूम सेम ले लिए तो मोल सेम आ गए। यही तो है वो गैरो लॉ है कि अगर दो गैसों का वॉल्यूम सेम होगा तो उनके मोल्स भी सेम होंगे, तो लॉ इज प्रूव्ड। तो कॉपी करें स्टूडेंट जल्दी से। हेडिंग लगाएं, ग्राफिकल प्रूफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जल्दी से कॉपी करें जी। कॉपी कर लिया, ओके मैं मिटा रहा हूं। हेडिंग लगाओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब हम ग्राफ बनाएंगे वी और एन में। ग्राफ बनाने के लिए हमें दो एक्सेस चाहिए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स होगी बेटा, ये वाई होगी। अब एक्स एक्सेस में हम लेंगे मोल, मोल मतलब अमाउंट, और वाई एक्सेस में हम लेंगे वॉल्यूम। क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है वी और एन में, तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके से, मुख्तलिफ पॉइंट्स आएंगे, जब हम उन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन ये जाहिर करेगी कि वॉल्यूम और मोल में डायरेक्ट रिलेशन है। इज इट क्लियर टू यू? कॉपी कर लें जल्दी से।
लास्ट हेडिंग लगाएं, लास्ट हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रोज लॉ, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन एली एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ गैसेस। बच्चों एवोगैड्रो लॉ की मदद से हम गैसों की मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। एवोगैड्रो लॉ हेल्प अस टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ गैसेस। और फार्मूला क्या है? फार्मूला है m1 upon m1 equals to m2 upon m2। ये फार्मूला है जनाब। अभी हमने ड्राइव किया ये फार्मूला। बेटा ये फार्मूला अभी ड्राइव किया है हमने मोलर मास का। इस फार्मूले से मोलर मास निकालेंगे m1 या m2, बशर्ते कि हमें दोनों मासेस पता हो, यानी m1 और m2। ये हमें गिवन होंगी क्वेश्चन में। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नाम है मोलर वॉल्यूम और मोलर गैस वॉल्यूम। बच्चों एवोगैड्रो लॉ का जो कांस्टेंट है वो ये जाहिर करता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 dm³। यानी 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इक्वल्स टू 22.4 dm³। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वी अपॉन एन के बराबर होता है। और वी अपॉन एन एवोगैड्रो लॉ का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है के, और के की वैल्यू कल हमने निकाली थी वो किसके इक्वल थी? RT अपॉन V के इक्वल थी। और जब हमने ये सारी कैलकुलेशन की थी तो हमारा आंसर आया था 22.4 dm³ per mole। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। 22.4 dm³ per mole is called molar volume. So Avogadro law की मदद से हम molar volume calculate करते हैं। STP का मतलब होता है standard temperature and pressure. STP means standard temperature and pressure. हम कई दफा पीछे पढ़ा चुके हैं आपको STP बेटा। So copy करें। जल्दी से कॉपी कर ले। और अब आपको तीसरा पॉइंट पढ़ाएंगे, नेचर ऑफ मोलर वॉल्यूम। नेचर ऑफ मोलर वॉल्यूम
nature of molar volume. और बच्चों लिखिए, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज लॉ, मोलर वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ Independent of nature of gas. तो मतलब ये हुआ कि कोई सी भी गैस हो, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, यानी 22.4 dm³ पर मोल. इसका मतलब ये हुआ 22.4 dm³ of any gas at STP equals to its molar mass. यानी फर्ज करें हमारे पास 22.4 dm³ हाइड्रोजन गैस का है एट STP. 22.4 dm³ of हाइड्रोजन गैस एट STP equals to its 1 mole, which is equal to 2 gram, which is the molar mass of hydrogen. Similarly, 22.4 dm³ of oxygen gas at STP is equal to its 1 mole, which is equal to 32 gram, which is the molar mass of oxygen. और एक और एग्जांपल देख लीजिए, 22.4 dm³ ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP इक्वल्स टू इट्स 1 मोल, व्हिच इज इक्वल टू 28 ग्राम, व्हिच इज इट्स मोलर मास. सो 22.4 dm³ ऑफ एनी गैस एट STP इज इक्वल टू इट्स मोलर मास. इज इट क्लियर? कॉपी कर लें जी, लास्ट पॉइंट रह गया जी. लास्ट पॉइंट रह गया, वो आपको पढ़ाते हैं, पहले ये कॉपी कर लें. आसानिया, अगर वॉल्यूम अगर 2 मोल हो जाएगा तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा एवोगाड्रो लॉ के तहत. अगर मोल डबल होंगे तो वॉल्यूम भी डबल होगा, डायरेक्ट रिलेशन है. और आखिरी पॉइंट, आखिरी पॉइंट का नाम है जी एवोगाड्रोस नंबर. Avogadro's number. So, likhe, according to Avogadro's law, it is found according to Avogadro's law, it is found that 1 mole of any gas or
substance. One mole of any gas or any substance contains the same number of molecules or particles. It is called Avogadro's number. Avogadro's number. यानी वन मोल में किसी भी गैस के, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की तादाद कांस्टेंट होती है, विच इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, विच इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाइड 10^23. दिस ह्यूज नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर. इसको जल्दी से कॉपी कर लें, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं. और यहीं पर हमारा लॉ जो है वो खत्म हो जाएगा. ओके बेटा, कॉपी कर लिया. ओके जी, मिटा रहा हूं मैं. और अब इसको समझ ले, पॉइंट को एग्जांपल से समझ ले. वन मोल ऑफ एनी गैस or any substance equals to 6.02 multiply 10^23 molecules. अब हम कोई भी गैस ले लें, उसमें मॉलिक्यूल की तादाद सेम होगी. कितनी? 6.02 एक्सपोनेंट 10^23. मिसाल के तौर पर हम वन मोल लेते हैं क्लोरीन का. वन मोल ऑफ क्लोरीन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स. हम क्लोरीन के बजाय कोई और गैस ले लें, मिसाल के तौर पर हम ले लें क्लोरीन गैस ले लें, तो भी मॉलिक्यूल्स की तादाद यही रहेगी. ये तादाद कांस्टेंट है और इस तादाद को कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर. इज इट क्लियर टू यू? तो कॉपी कर ले इसे, और यहीं पर हमारा लॉ जो है वो खत्म हो गया है. तो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम मी. Students, few minutes left. Law समझ में आ गया सबको? Students, बेटा पेपर जल्दी स्टार्ट होंगे, आपको बता दिया जाएगा. आप लोग अपनी लर्निंग जो है वो तैयार रखें, चैप्टर वन पूरा कंप्लीट याद कर लें और चैप्टर टू भी लर्न करना शुरू कर दें. नोट्स ले लें कोचिंग से. निविता, सबको समझ में आ गया? ये गैस, ये लॉ बेटा दोनों पे अप्लाई होगा, आइडियल पर भी नॉन आइडियल पर भी. लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर हमें एडजस्ट रखना होगा.
अगर प्रेशर हाई होगा तो ये लॉ फिर अप्लाई नहीं होगा, और अगर प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर लो हो तो भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो प्रेशर और टेम्परेचर को हमें मेंटेन रखना होगा, लो और हाई, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हमें रखना होगा। बात समझ में आ गई? ओके स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। लॉ इज फिनिश्ड, कल हम नया लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है कंबाइंड गैस लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर क्लास वाइंड अप करते हैं। आप लोग इस चैप्टर को लर्न करना शुरू कर दीजिए जल्दी से। पहला चैप्टर याद करें कंप्लीट, सारे असाइनमेंट जमा करवाएं जल्द से जल्द। ओके, अल्लाह हाफिज़।